गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। क्लास सेवन्थ का चैप्टर है 17, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। थर्ड यूनिट जो कि सिविक्स है, सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, और बुक में आपको मिलेगा चैप्टर नंबर ये 17 पे, बिकॉज देयर आर थ्री यूनिट्स इन योर बुक, हिस्ट्री फर्स्ट, ज्योग्राफी सेकेंड, एंड थर्ड इज सिविक्स। हम सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर और आपकी बुक का 17 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी आपके चैप्टर का नेम। अब फर्स्ट देखिए नेम, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो डेमोक्रेसी का सिंपल सा मीनिंग होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र मीन्स लोक, लोगों का, तंत्र राज शासन। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का मीन सिंपल सा क्या है, रूल ऑफ पीपल, लोगों का शासन। बट अगर लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की अगर बात की जाए, तो सबसे पहले देखिए अगर डेमोक्रेसी की बात करनी है तो हमें नीड किसकी है, गवर्नमेंट को जानना होगा। गवर्नमेंट किसे बोलते हैं, बिकॉज विदाउट एनी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अगर नहीं होगी तो डेमोक्रेसी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट क्या है, देखिए बात करते हैं, वैसे हम सब जानते हैं गवर्नमेंट, नेम से सबको पता है गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट रियल में है क्या। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में सब लोग डिफरेंट हैं, सबके ओपिनियन अलग हैं, सबका कल्चर अलग है, सबके थॉट्स अलग अलग हैं, तो उन थॉट्स को क्या करना होगा, एक जैसे सबके थॉट्स रखे जाएं, सबके ओपिनियन एक जैसे रखे जाएं, तब जाके क्या बनेगी, गवर्नमेंट बनेगी। तो देखिए सबसे पहले बात करें जो लोगों के अलग अलग क्या हैं, थॉट्स हैं, ओपिनियंस हैं, कल्चर्स हैं, एंड जो रहने के उनके अलग अलग लिविंग के जो स्टाइल्स हैं, तो उनको रिस्टोर करना होगा, टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर जो नियम और कानून हैं, लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनको रिस्टोर करना होगा, टू इंश्योर कोऑपरेशन अमंग पीपल, लोगों में क्या करना, कोऑपरेशन, एक दूसरे का कोऑपरेट करें, टू इंश्योर कोऑपरेशन अमंग पीपल, टू मेक कलेक्टिव डिसीजन, एंड नीड फॉर अ पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स एक जो पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई संगठन जो क्या करे, लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करे, जो पीपल्स के कोऑपरेशन है उनको इंश्योर करे, साथ ही साथ जो कलेक्टिव डिसीजन है लोगों का उसको भी क्या करे, रिस्टोर करे, तो उसके लिए ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज नीडेड, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की नीड है। और जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करता है, कोऑपरेशन करता है, लोगों को एक दूसरे में कोऑपरेट करता है, साथ ही साथ लोग कलेक्टिव डिसीजन लेने में हेल्प करता है, तो उसी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, दिस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट किसे बोल दिया, जो लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करे, लोगों को एक दूसरे में कोऑपरेट करने के लिए इंश्योर करे, और उनके कलेक्टिव डिसीजन को एक साथ अप्लाई करे, तो वही ऑर्गेनाइजेशन क्या है, गवर्नमेंट। अब देखिए आगे, देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन वर्ल्ड टूडे। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो गवर्नमेंट भी हर जगह डिफरेंट टाइप की है, अलग अलग टाइप की हर जगह गवर्नमेंट देखने को मिलती है, बट देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड टूडे। तो फर्स्ट इज डेमोक्रेसी, सेकेंड इज मोनार्ची, एंड थर्ड इज डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी सिंपल सा मीनिंग मैंने अभी बताया था, लोकतंत्र या जनतंत्र। फिर सेकेंड मोनार्ची, एक तंत्र, एंड थर्ड इज डिक्टेटरशिप, तानाशाही। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जो वर्ड है ये बना है टू स्मॉल, छोटे छोटे वर्ड से, फर्स्ट इज डेमोस एंड सेकेंड इज क्रेटिया। फर्स्ट इज डेमोस, सेकेंड इज क्रेटिया। डेमोस प्लस क्रेटिया को मिला के बनाया गया है डेमोक्रेसी। अब इसका मीनिंग देखिए, डेमोक्रेसी में क्या होता है, रूल बाय पीपल, क्या है, रूल बाय पीपल, जो राज होता है, शासन जो होता है वो कौन करता है, पीपल, लोग करते हैं। इलेक्ट बाय पीपल, गवर्नमेंट को इलेक्ट कौन करेगा, गवर्नमेंट बनाएगा कौन, पीपल ही बनाएंगे। पीपल आर सुप्रीम, लोग ही क्या है, सुप्रीम। अगर डेमोक्रेसी है किसी भी नेशन में, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो वहाँ पे पीपल का रूल होगा, गवर्नमेंट को इलेक्ट भी पीपल करेंगे, और पीपल आर सुप्रीम, लोग क्या होंगे, सुप्रीम मीन सबसे
हाई जो पोस्ट है किसकी रहेगी? पीपल, लोगों की रहेगी, मींस और कोई उनसे ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है, फिर आगे देखिए, मोस्ट कंट्रीज हैव डेमोक्रेटिक फॉर्म। आजकल वर्ल्ड की बात करें प्रेजेंट में, तो मोस्ट ऑफ कंट्रीज, बहुत से देश हैं जिनमें कौन सा फॉर्म है गवर्नमेंट का? डेमोक्रेटिक, मींस अधिकतर जगह डेमोक्रेसी ही एग्जिस्ट है। एग्जांपल के लिए हमारा जो इंडिया भारत है और साथ में अमेरिका की बात कर लेते हैं, तो इन दोनों जगह पे आपको देखने को क्या मिलेगा? डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक रूल मिलेगा। डेमोक्रेसी में पब्लिक क्या करती है? इलेक्शन के थ्रू वोटिंग करती है। वोट जैसे ही हो जाएंगे, जो भी विन करेगा, जो मेजोरिटी विन करेगी, उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी। एग्जांपल के लिए प्रेजेंट में जैसे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, तो डेमोक्रेसी का बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया और अमेरिका। तो डेमोक्रेसी में लोग अपना रूल खुद करते हैं, एक किसी भी एक व्यक्ति को इलेक्ट करेंगे, वो लोग मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे। और डेमोक्रेसी का एक बहुत ही अच्छा एक बात फीचर एक ये है कि जो गवर्नमेंट होगी आंसरेबल टू द पीपल, लोगों के लिए क्या रहेगी? आंसरेबल रहेगी, मींस अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी। हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं और गवर्नमेंट उसका आंसर हमें देगी। तो ये तो बात है डेमोक्रेसी की। अब नेक्स्ट इज मोनार्ची। मोनार्ची का हिंदी मीनिंग है एकतंत्र। एक मतलब किसी भी एक का राज, किसी एक का शासन। तो देखिए, इन दिस द हेड ऑफ रॉयल फैमिली इज द हेड ऑफ ए नेशन। रॉयल फैमिली अभी प्रेजेंट में नहीं मिल देखने को मिलते, बहुत ज़्यादा बहुत कम मिलते हैं, बट पहले जैसे क्या होता था, एक किंग या क्वीन, एक राजा होता था या एक रानी, वो क्या करते थे? राज करते थे। तो इसमें भी वही सिस्टम है, इन दिस द हेड ऑफ रॉयल फैमिली, जो रॉयल फैमिली का हेड होगा वही कौन होगा? नेशन का हेड। अगर वो व्यक्ति रॉयल फैमिली का हेड, अगर वो राजा है वहाँ का, तो वही क्या होगा? नेशन का भी हेड होगा। द मोनार्ची और द किंग और क्वीन इज सक्सीडेड बाय हिज और हर क्लोजेस्ट रिलेटिव। जो राजा है, जो मोनार्च है, उसको राजा भी बोलते हैं, मोनार्च भी बोलते हैं, चाहे वो मोनार्च या किंग बोल सकते हैं या क्वीन, वो क्या करेंगे? सक्सीडेड मतलब उनके बाद में जो राजा बनेगा, उनका सक्सेसर, वो कौन होगा? हिज और हर क्लोजेस्ट रिलेटिव, उनका जो सबसे क्लोजेस्ट जो रिलेटिव है वो बनेगा। और मोस्टली कौन बनता है? द एल्डेस्ट सन, उनका जो सबसे बड़ा बेटा है वही बनता है। इन दिस सिस्टम मोनार्च रन द गवर्नमेंट। और ये जो सिस्टम होता है उसमें जो मोनार्च है, जो किंग है, मोनार्च है, क्वीन है, वो क्या करता है? पूरी गवर्नमेंट को खुद चलाता है विथ द हेल्प ऑफ सम मिनिस्टर्स। अपने कुछ मिनिस्टर्स को रखता है, अपने कुछ मंत्रियों को साथ में रखता है, उनकी हेल्प से गवर्नमेंट खुद ही चलाता है। और क्या करेगा? ना तो किसी गवर्नमेंट को आंसरेबल होगा, ना कोई पब्लिक उसको कुछ पूछ सकती है, जो राजा की मर्जी होगी वो काम करेगा। तो ये कौन सा है? मोनार्ची। और इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो प्रेजेंट में एक तो मोरक्को, एक सऊदी अरेबिया और एक जॉर्डन, ये ऐसे देश, इनके अलावा और भी हैं, ये जो ऐसे देश हैं जिनमें क्या है? प्रेजेंट में मोनार्चिकल सिस्टम चल रहा है। अब थर्ड है डिक्टेटरशिप, इसको बोलते हैं तानाशाही। क्या बोलते हैं? तानाशाही मतलब तानाशाह, जबरदस्ती गवर्नमेंट बनाना। इन दिस पीपल हैज नो राइट्स। ये जो सिस्टम है डिक्टेटरशिप वाला, इसमें पीपल हैज़ नो राइट्स, लोगों के पास कोई भी राइट्स नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं होते। ऑल द पावर्स रेस्ट इन हैंड्स ऑफ ए मैन, सारे पावर एक ही मैन, एक ही पर्सन के हाथ में रहते हैं। बात देखिए, यहाँ दोनों में सेम है, इसमें भी किसी एक के पास, जो बात करें मोनार्ची की, तो इसमें भी किसी वन पर्सन के पास जो किंग है, और यहाँ भी किसी एक के पास। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ तो राजा है, राजा का बेटा बाद में राजा बन जाएगा, बट यहाँ पे क्या है? जबरदस्ती फोर्सफुली क्या करेंगे? वो रूल खुद करेंगे। तो ये जो सिस्टम है इसमें पीपल हैज नो राइट्स, लोगों के पास कोई अधिकार नहीं रहते। ऑल द पावर्स रेस्ट इन हैंड ऑफ ए मैन, जितने भी पावर हैं किसी भी एक पर्सन के पास होते हैं। मोस्ट डिक्टेटर्स गेन पावर थ्रू मिलिट्री फ्रॉम ऑन एन एग्जिस्टिंग रूलर। अधिकतर जो डिक्टेटर्स हैं, जो राजा बने हैं, जिन्होंने ये डिक्टेटरशिप की है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो क्या करते हैं? जिन्होंने
मिलिट्री की हेल्प ली है, अपनी मिलिट्री लाते हैं और पहले से जिसका राज है, मान लीजिए कोई एक राजा राज कर रहा है किसी भी जगह, तो वहाँ पे दूसरा आदमी अपनी मिलिट्री लेके आएगा और राजा को वहाँ पे वहाँ से भगा देगा और फिर वहाँ पे रूल खुद करेगा। तो मिलिट्री की हेल्प से क्या करते हैं, रूल करते हैं। इन दिस सिस्टम पीपल कैन नॉट रेज एनी क्वेश्चन अबाउट गवर्नमेंट। और जो डिक्टेटरशिप है इसमें भी लोग क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, ना ही उसके लिए कोई बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो एक तो पर्सन थे जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि पाकिस्तान के थे। जनरल परवेज मुशर्रफ, इन्होंने क्या किया था, पाकिस्तान का जो रूलर था उसको हटा के अपने खुद की गवर्नमेंट बना ली और अकेले राज करते थे। सेकेंड सद्दाम हुसैन, सद्दाम हुसैन जो इराक से थे, इन्होंने भी क्या किया था, अपनी मिलिट्री की हेल्प से जो एग्जिस्टिंग रूलर था उसको वहाँ से रिमूव किया, हटा दिया और ख़ुद की गवर्नमेंट बना ली। तो आपको मैंने तीन फॉर्म्स बताए, डेमोक्रेसी, मोनार्ची, डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी में पब्लिक का रूल होगा, पब्लिक जो कहेगी गवर्नमेंट को वैसा काम उनके लिए करना पड़ेगा। मोनार्ची में एक हेड होगा जो कि रॉयल फैमिली का हेड होगा। और डिक्टेटरशिप की बात करें तो इसमें फोर्सफुली रूल किया जाएगा, वो भी किसी वन पर्सन के लिए, या वन पर्सन ही उसमें रूल करेगा।